अंदर एंड जिससे करना होता है वो बाहर। तो 834 को 18 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट लेते हैं तो वो है 8, और 8 क्या है, 18 से छोटा है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो डिजिट साथ में लेनी पड़ेगी, तो हम लेंगे 83। अब हम चेक करेंगे कि 18 के टेबल में 83 आता है, अगर नहीं आता होगा तो हम क्या करेंगे, उसका उसके छोटा मल्टीपल लेंगे। तो 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90, और हमारा नंबर क्या है, 83। तो 90 जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया 83 से, तो हम वो नहीं लेंगे, उससे छोटा क्या है 83 से, तो 72। तो 18 को हम 4 टाइम्स करेंगे तो होगा 72। अब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो 3 − 2 = 1, 8 − 7 = 1, अब ये 4 बचा है तो 4 नीचे आएगा। अब हम डिवाइड करेंगे 1/4 को, 18 के टेबल में 1/4 आएगा तो वो उससे करेंगे, अगर नहीं आया तो उससे छोटा कंसीडर करेंगे। तो 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 126, तो 126 जो है वो 1/4 से बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 108। 18 को हम 6 टाइम्स करेंगे तो हमारा क्या होगा, 108। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 − 8, 4 − 8 पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, आगे के प्लेस से हम बोरो लेंगे, तो इसके पास 1 ही था और वो 1 हम बोरो लेके जाएंगे तो इसके पास क्या बचा, 0, अब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हो गया 14, बिकॉज हमने एक बोरो लिया। तो 14 − 8 = 6, 0 − 0 = 0, 1 − 1 = 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 6, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। और 46 जो है वो हमारा क्वेश्चन, अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन अ टू डिजिट नंबर। तो एग्जांपल दे रखा है डिवाइड 4.28 / 33, 33 क्या है, टू डिजिट नंबर, और हमें बोला है चेक योर आंसर। चेक योर आंसर मतलब हम एक फॉर्मूला से डिवीजन करने के बाद हमारा आंसर सही है या नहीं वो चेक करेंगे। तो पहले हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे, तो हमें डिवाइड करना है 4, 4, 2, 8 को 33 से, तो 4 जो है वो 33 से छोटा है तो 4 डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम दो नंबर साथ में लेंगे तो क्या होगा, 44। अब 33 का टेबल चेक करते हैं तो 33 × 1 = 33, 33 × 2 = 66, तो 66 क्या हो गया, 44 से बड़ा हो गया, तो हम कौन सा मल्टीपल लेंगे, 33 × 1 = 33, तो 33 × 1 = 33। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 − 3 = 1, 4 − 3 = 1, एंड ये 2 नीचे आएगा। अब 33 के टेबल में चेक करेंगे कि 1/2 आता है या नहीं, तो 33 × 3 = 99, 33 × 4 = 132, तो 132 है जो वो बड़ा हो गया 1/2 के कंपेयर में, तो हम क्या लेंगे, 99 वाला मल्टीपल लेंगे, तो
पास हम बोरो लेंगे तो यहाँ पे हो गया जीरो एंड यहाँ पे हो गया टेन। अब टेन माइनस नाइन कितना होगा वन एंड यहाँ पे तो जीरो। अब ये नीचे आएगा तो अब हम चेक करेंगे 138 आएगा 33 के मल्टीपल में नहीं, और 132 ही ऐसा नंबर है जो 138 से छोटा हो, तो हम क्या करेंगे 33 को 4 टाइम्स किया तो आंसर क्या होगा 132। 8 माइनस 2 करेंगे तो होगा 6, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, तो रिमाइंडर क्या बच गया 6 और क्वेश्चन हमारा क्या है 134। अब हमें आंसर को चेक करना हो तो हमारा फॉर्मूला है डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, डिविडेंड के बराबर। अगर ये सब जो मल्टीप्लाई और एडिशन परफॉर्म करके हमारा आंसर जो होगा वो डिविडेंड के बराबर आएगा तो हम समझ लेंगे कि हमारा आंसर जो है वो सही है। तो यहाँ पे हमारा डिविजन क्या होगा 33, 134 क्या होगा हमारा क्वेश्चन, 6 जो है वो क्या है रिमाइंडर, और डिविडेंड
एंड 1138 जो है वो 946 के कंपेयर में बड़ा है, तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। हम किसको कंसीडर करेंगे? 569 वाला मल्टीपल। तो 569 वन टाइम किया तो आंसर आया 569। अब हम सबट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो 6 - 9 पॉसिबल नहीं है, तो हम आगे से फोर करेंगे, तो आगे 4 है उसकी जगह हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 16। अब 3 - 6 भी पॉसिबल नहीं है, तो हम आगे उसके पास से बोरो करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 13। अब 16 - 9 करेंगे तो होगा 7, 13 - 6 करेंगे तो होगा 7, 8 - 5 करेंगे तो होगा 3 और 5 नीचे आएगा। अब हमारा क्या नंबर हो गया? 3 - 7 - 7 - 5। अब हम 5 - 6 - 9 के मल्टीपल चेक करेंगे, ये आता है या इससे कम कंसीडर करेंगे, तो चेक करते हैं 5 - 6 - 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 - 3 = 27, 6 - 3 = 18, 18 + 2 = 20, 5 - 3 = 50, 50 + 2 = 70, 1707, 5 - 6 - 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 - 4 = 36, 6 - 4 = 24, 24 + 3 = 27, 5 - 4 = 20, 20 + 2 = 22, 2 - 2 = 7, 6, 5 - 6 - 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 - 5 = 45, 6 - 5 = 30, 30 + 4 = 34, 5 - 5 = 25, 25 + 3 = 28, तो ये भी नहीं है। 5 - 6 - 9 मल्टीप्लाई बाय 9 - 6 = 54, 6 - 6 = 36, 36 + 5 करेंगे तो 37, 38, 39, 40, 41, तो 41, 5 - 6 = 30, 30 + 4 = 34, 3 - 4 = 14। अब ये ही हो सकता है उसके आसपास का नंबर, तो 3 - 4 = 14 जो है वो 3 - 7 - 7 - 5 से छोटा है, तो हम वही कंसीडर कर लेंगे। 5 - 6 - 9 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो क्या आया आंसर? 3 - 4 = 1 - 4। अब हम सबट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो 5 - 4 = 1, 7 - 1 = 6, 7 - 4 = 3, 3 - 3 = 0। अब 7 नीचे आएगा तो 3 - 6 = 1, 7। वापिस हम वही नंबर ले सकते हैं 3 - 4 = 1, 4, बिकॉज इससे छोटा मल्टीपल भी नहीं होगा और इससे छोटा मल्टीपल ये होगा, तो 5 - 6 - 9 * 6 करेंगे तो क्या होगा? 3 - 4 = 1, 4। सबट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, 7 - 4 करेंगे तो क्या होगा? 3, 1 - 1 = 0, 6 - 4 करेंगे तो 2, 3 - 3 = 0, तो एक क्या हो गया हमारा? रिमाइंडर।